नमस्कार, धर्म यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ की हरियाली और ब्रह्मपुत्र की कलकल करती धारा यहाँ की खूबसूरती में और भी चार चांद लगाती है। वैसे तो असम में दर्शन करने के खातिर कई दार्शनिक स्थल हैं, लेकिन इनमें से भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र धाम की यात्रा, यह है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। चारों ओर हरियाली, काजीरंगा के वन में आजाद घूमते हुए पशु पक्षी और बहती ब्रह्मपुत्र की धारा, यह प्रदेश की खूबसूरती को और भी चार चांद लगाती है। असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर था। पुरातन काल में कामरूप राज्य की राजधानी कहा जाता था। भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिर करीब 300 साल से खड़ा राज्य वंश की कीर्ति गाथा का वरदान करता है। उमानंदा मंदिर करीब शिवसागर मंदिर से 40 साल पहले बना था। पूर्वोत्तर काल में मध्यकालीन निर्माण कला के अद्भुत निर्माणों में से एक है। साहिब लोग इस द्वीप का नाम दिया था पीकॉक आइलैंड। एरियल व्यू है लाइक ए मोरा चराए, पीकॉक, इसका नाम दिया था पीकॉक आइलैंड। कैलाश शिखरारूढ़म। शिवसागर मंदिर एक खूबसूरत तालाब के सामने बना हुआ है। इस तालाब को शिवसागर कहते हैं। 130 एकड़ में बना 24 फीट गहरा है यह तालाब। तालाब के किनारे सुंदर पार्क बना हुआ है जो यात्रियों को खूब लुभाता है। यहाँ के पर्यटकों के लिए रहने के लिए खास इंतजाम किया हुआ है। इस मंदिर को अहम राजा गजाधर सिंह ने बनाया था, और उससे पहले यह छोटी सी मंदिर हुआ करता था। बहुत पुराना मंदिर है ये। तालाब के किनारे पर महारानी, शिव, विष्णु और दुर्गा के नाम पर एक ढोल का निर्माण किया गया है। दरअसल यह ढोल शब्द आसामी भाषा में बोला जाता है। यह शिव मंदिर देश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। शिव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशालता, धार्मिक मूल्य और बेहतरीन वास्तुकला है। यही वजह है कि दूर दूर से असम आने वाला पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने के खातिर यहाँ ज़रूर आता है। यहाँ का शिव ढोल 104 फीट ऊंचा है। मंदिर के ऊपर सोने का कलश गढ़ा हुआ है। इसकी बाहरी दीवारों पर तमाम देवी देवता की आकृति बनी हुई है। ऐसे ये बात कहाँ पर है, हम लोग का मीट यह है कामाख्या जाने का पहले शिव पीठ दर्शन करना जरूरी है। तो कामाख्या जाने का पहले शिव उमानंद जी का मंदिर में आना चाहिए। यहाँ पर शिव ढोल के पास ही भगवान विष्णु का ढोल बना हुआ है। इसकी ऊंचाई शिव ढोल से थोड़ा कम है। इसके साथ ही विष्णु ढोल के शिल्प भी शिव ढोल के शिल्प से अलग दिखते हैं। यह वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है। परिसर में सूर्य, गणेश, रानी के ढोल भी बने हुए हैं। इन दोनों का निर्माण मुख्य मंदिर के बनने के काफी बाद करवाया गया। मुख्य गर्भगृह से सटा हुआ ईंट से बना हुआ गलियारा यह भोग घर तक जाता है।
खास मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करी जाती है। पर्यटन के लिहाज से यहाँ आने के खातिर सबसे बेहतरीन समय सितंबर से अप्रैल है। इस समय बरसात समाप्त होने की वजह से चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। राजधानी गुवाहाटी से लमसम 350 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर देश के अनोखे मंदिरों में से एक है। हुमानंदा मंदिर, तंत्र सागर, वैष्णव संप्रदाय के खास मंदिर हैं। पूर्वोत्तर राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाली, जैसे हर एक माता मंदिर के मंदिर का एक भैरव होता है, ये कामाख्या माता का भैरव है। तो इस मंदिर का नाम है उमानंद। उमा मतलब माता कामाख्या और नंद मतलब शिव जी, दोनों ने मिले के यहाँ आनंद उठाते थे यहाँ का, इसलिए इस जगह का नाम है उमानंद। यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है भस्मांचल पहाड़ी। वास्तव में यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है। चारों ओर हरा भरा वनीय क्षेत्र है। यहाँ पर आपको मोर पक्षियों की तादाद भारी संख्या में देखने को मिलेगी। यहाँ की खूबसूरती फिरंगियों के बेहतरीन चश्मदीदों में से सराही जाने वाली है। यहाँ भगवान शिव और भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी जगह पर भगवान शिव ने असंख्य तप का व्रत लिया था। यहीं पर उनकी तपस्या को कामदेव ने भंग किया था। शिव ने यहीं अपना तीसरा नेत्र खोला था। इनके नेत्र की ज्वाला से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। यहां आने वाले श्रद्धालु दर्शन से पहले ब्रह्मपुत्र के पावन तट पर डुबकी लगाते हैं और यहां पर आपको विभिन्न मंदिर के दर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही खूबसूरत खाटी के तलहटी में बसा हुआ असम राज्य अपने अलग अंदाज से आपको खूब लुभाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से यहाँ आइए और यहाँ की खूबसूरत वादियों का सैर सपाटा दिलचस्प अंदाज से करिए। तब तक के लिए धर्म यात्रा से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।